हेलो, आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णो सर की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 वर्ष 2023-24 अध्याय 4 दहन एवं ज्वाला के प्रश्न उत्तर को समझेंगे। तो चलें यहाँ पर देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हैं उसी के नीचे आपको कुछ इस तरह से सब्सक्राइब का बटन दिखाई देगा। तो आपको सब्सक्राइब के बटन पर टच करना है, फिर आपको घंटी के ऑप्शन पर टच करना है, फिर आपको नीचे एक और घंटी दिखाई देगी तो आपको आल के ऑप्शन पर सबसे ऊपर वाली घंटी पर टच करना है। फिर आपको वीडियो को लाइक अवश्य करना है। यदि आपको कक्षा 8 एट ग्रेड के किसी भी विषय की वीडियो YouTube सर्च में न मिल पाए तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। चलें तो इसके प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखिए यहाँ पर हमको शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों को हमको उचित खाली स्थानों में भरना है। तो पहला, दहन के लिए खाली स्थान आवश्यक है। तो देखिए दहन के लिए O2 मतलब ऑक्सीजन आवश्यक है, तो हम पहले खाली स्थान में O2 को भर लेंगे। फिर दूसरा, ईंधन के ऊष्मीय मान को खाली स्थान मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए इस खाली स्थान में आपको क्या भरना है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। फिर इसके बाद तीसरे नंबर में, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका खाली स्थान कहलाता है। तो देखिए वह क्या कहलाता है, ज्वलन ताप। फिर इसके बाद चौथे नंबर में, सबसे अच्छा अग्निशामक खाली स्थान है। तो इसमें आपको CO2 भर लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में। पांचवा, ईंधन के अपूर्ण दहन से खाली स्थान गैस निकलती है। तो इसमें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड भर लेना है। फिर इसके सही विकल्प में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। पहला, बूझो 4 समान परख नलियों में पानी की समान मात्रा को गर्म करता है। वह अपनी परख नलियों को ज्वाला के विभिन्न क्षेत्रों में रखता है। तो देखिए हमको यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या प्राप्त होगा, ए परख नली आ बाह क्षेत्र। फिर इसके बाद आ जाते हैं दूसरे प्रश्न में, किस परख नली में पानी सबसे पहले उबलेगा। तो देखिए परख नली आ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर। तो इसको आपको सही का निशान लगा लेना है। फिर आ जाते हैं दूसरे नंबर में, निम्न में से किसका ज्वलन ताप अधिक होगा। तो ए सूखी घास का ज्वलन ताप अधिक होगा। फिर आ जाते हैं तीसरे नंबर में, वायु में किस गैस की अधिक मात्रा विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। तो इसका उत्तर होगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 4, विद्युत उपकरण तथा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में, कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर वायु में जल उठता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी फास्फोरस। फिर इसके बाद आ जाते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न में। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3, दहन क्या है। नीचे दिए गए पदार्थों में से दाह्य एवं अदाह्य पदार्थों की पहचान कर लिखिए। लकड़ी, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर का टुकड़ा, मिट्टी का तेल, कांच, काष्ठ, कोयला। तो देखिए इसमें हमको जलने वाले को क्या कहा गया है, दाह्य, और न जलने वाले को अदाह्य। तो हमको इसमें पहचान करना है कि कौन सी वस्तु जलने वाली है, कौन सी वस्तु नहीं जलने वाली है। तो इसका उत्तर होगा, देखिए दाह्य में कौन कौन आएगा, रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से बने अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दाह कहलाता है।
दाह पदार्थ कौन कौन से हैं? लकड़ी, कागज, कोयला, पेट्रोल। और अदाह पदार्थ कौन कौन से हैं? पत्थर, लोहा, कांच। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में, दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, दहन के लिए वायु, ऑक्सीजन, ज्वलन ताप और दहनशील वस्तु होना आवश्यक है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 को देख लेते हैं, ज्वलन ताप किसे कहते हैं? गीले कागज तथा सूखे कागज में किसे जलाना आसान होगा और क्यों? तो देखिए, हमको यहाँ पर बताना है कि गीले कागज और सूखे कागज में किसे जलाना आसान होगा और ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो देखिए, प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। कागज का ज्वलन ताप लकड़ी के अपेक्षा कम होने के कारण कागज का टुकड़ा सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि लकड़ी का टुकड़ा सरलता से आग नहीं पकड़ता है। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 6, ऊष्मीयमान किसे कहते हैं? ईंधन के ऊष्मीयमान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीयमान कहलाती है। ईंधन के ऊष्मीयमान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 7, बंद कमरे में कोयला सिगड़ी जलाकर सोना खतरनाक होता है, कारण लिखिए। तो देखिए, बंद कमरे में कभी भी हमको कोयला सिगड़ी जला करके नहीं सोना चाहिए। इसका क्या कारण है? ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, यह अत्यंत विषैली गैस है, इसलिए बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में, ईंधन क्या है? आदर्श ईंधन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, ईंधन किसे कहते हैं? घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि ये पदार्थ ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो जाता है, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 9, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर, दहन के प्रकार, दहन के 3 प्रकार हैं। पहला तीव्र दहन, उदाहरण के लिए LPG, CNG, गैस, पेट्रोल, ये क्या है? तीव्र दहन है, इनमें बहुत जल्द आग लग जाती है। दूसरा स्वतः दहन, स्वतः दहन कौन कौन है? जैसे फास्फोरस, कोयला, इनमें कभी कभी स्वतः ही आग लग जाती है। तीसरा विस्फोट, तो ऐसे दहन जिसमें आग लगने से क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, जैसे पटाखे और बारूद। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 10, विद्युत उपकरण एवं पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर है, विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सबसे अच्छा अग्निशामक है। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संबंध टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 11 है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना हानिकारक क्यों होता है, कारण लिखिए। तो इसका उत्तर है, ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है, साथ ही वृक्षों से प्राप्त होने वाली उपयोगी वस्तुएं नहीं मिल पाती क्योंकि वृक्षों को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई
वनों के अंत का कारण बनती है जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 12। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी को अच्छा ईंधन क्यों माना जाता है, ये हमको बताना है। उत्तर इसका क्या है, मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल एवं पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अच्छा ईंधन माना जाता है क्योंकि सीएनजी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है। फिर आ जाते हैं इसके 13 नंबर के प्रश्न में, दहन के लिए वायु आवश्यक है, इसे प्रदर्शित करने हेतु किसी क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। तो देखिए इस तरह से हम चित्र बना लिए हैं, ये लैंप है और ये क्या है, मोमबत्ती है। तो देखिए मोमबत्ती अभी जल रही है, जैसे ही हम मोमबत्ती के ऊपर इस तरह से एक कांच का गिलास रखते हैं तो ये मोमबत्ती क्या है, बुझ जाती है। अब देखिए क्यों बुझ गई, क्योंकि जब इसके ऊपर गिलास नहीं था तो इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रहा था इसलिए जल रही थी, और जैसे ही हम गिलास रख दिए तो इसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जिस कारण से ये बुझ गई। तो इस तरह से आपको भी चित्र बना लेना है अच्छे तरह से। फिर इसके बाद इसके लिए उत्तर लिख लेते हैं, उत्तर, दहन के लिए वायु आवश्यक होती है, इसे प्रदर्शित करने के लिए हम कांच की दो चिमनी लेते हैं, एक चिमनी को लकड़ी के दो गुटकों पर रख देते हैं और मोमबत्ती जला देते हैं तथा दूसरी चिमनी को मेज से सटाकर रखते हैं और अंदर भी मोमबत्ती जला देते हैं। कुछ समय पश्चात हम देखते हैं कि जिस चिमनी को मेज से सटाकर रखते हैं और चिमनी के ऊपर कांच की प्लेट रखते हैं वह मोमबत्ती बुझ जाती है, जबकि लकड़ी के टुकड़े पर रखी चिमनी के अंदर की मोमबत्ती जलती रहती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 14। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, पहला, विश्व उष्णन ग्लोबल वार्मिंग। इसका उत्तर है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। वायु में CO2 गैस की अधिक मात्रा संभवतः ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, इससे हिमनद पिघलने लगते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं दूसरे भाग में, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होती है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं, ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है। फिर इसके बाद इसके प्रोजेक्ट को देख लेते हैं, बूझो व पहेली का घर साला से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बुझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से छोड़ने आते हैं व ले जाते हैं तथा पहेली के पिताजी उसे प्रतिदिन कार से साला लाते हैं व ले जाते हैं। बुझो के पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल में 1/2 लीटर पेट्रोल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को प्रतिदिन साला आने व जाने में 2 लीटर डीजल लगता है। पहला, अपने माता पिता या अभिभावक की सहायता से पूछकर निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। तो देखिए इस तरह से आपको एक तालिका दी गई है, इस तालिका को पूर्ण करने के लिए आप अपने माता पिता का या फिर अपने विद्यालय के विषय शिक्षक की मदद ले सकते हैं। बूझो के पिता के द्वारा कुल व्यय पेट्रोल लीटर में, तो देखिए एक सप्ताह में इतना लीटर जो है बूझो के पिताजी को लगता है और पहेली के पिताजी को 14 लीटर लगता है। फरवरी 2023 में बूझो के पिता के द्वारा कितना पेट्रोल खर्च होता है, 14 लीटर, जबकि पहेली के पिताजी को 56 लीटर खर्चा होता है। फिर इसके बाद देखिए इस क्रियाकलाप के संबंध में कुछ प्रश्न दिए हैं, उन्हें अपन हल कर लेते हैं। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य 110 रुपये है, तो बूझो के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो देखिए बूझो के पिताजी एक सप्ताह में कितना गाड़ी चलाते हैं, कितना पेट्रोल खर्चा करते हैं,
3.5 लीटर मतलब 3.5 लीटर, और 1 लीटर का खर्चा 110 है, तो 110 का इसमें गुणा करेंगे तो 385 रुपये प्राप्त हो गया। मतलब बूझो के पिताजी का एक सप्ताह का खर्च कितना हो गया, 385 रुपये। फिर इसके बाद देखिए तीसरा, वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य 109 रुपये है, तो पहेली के पिता द्वारा एक सप्ताह में कुल कितनी राशि का पेट्रोल खर्च होगा। तो देखिए डीजल 109 रुपये प्रति लीटर है। अब पहेली के पिताजी इससे क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम होगा। फिर इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट क्रमांक 2, अपने आसपास के 10 घरों का सर्वेक्षण कर पता लगाइए कि खाना पकाने के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाता है, इनमें से कौन कौन से ईंधन प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, खाना पकाने के लिए ईंधन निम्न है, जैसे लकड़ी, कोयला या फिर LPG या फिर उपले गोबर के कंडे या फिर गैस इत्यादि। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ईंधन कौन कौन से हैं, कोयला, लकड़ी, गोबर के उपले, ये क्या है, उत्तरदायी हैं। फिर आ जाते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न क्रमांक 2, हानिकारक ईंधन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं, अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हानिकारक ईंधन से वायु प्रदूषण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को प्रभावित करता है। वायु प्रदूषण से जानलेवा बीमारी जैसे श्वसन रोग, दमा, खांसी, एलर्जी इत्यादि। इस प्रकार से पर्यावरण में पेड़ पौधों की वृद्धि में रुकावट, ऑक्सीजन की कमी इत्यादि पर प्रभाव पड़ता है। आशा करते हैं आज की वीडियो में बताए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर को आप अपने एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान कक्षा 8 में लिख लिए होंगे। इसी तरह आपको हमारी वीडियो समय पर प्राप्त होती रहे, भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आपको क्या काम करना है, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, घंटी के बटन को जरूर दबाना है, वीडियो को लाइक अवश्य करना है। यदि आपको किसी भी प्रकार की वीडियो YouTube सर्च में नहीं मिल पा रही है तो आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करेंगे तो आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगी। साथ ही हम आपको विषय विज्ञान एटग्रेड की सभी वीडियो आपको यहां पर प्लेलिस्ट इन स्क्रीन के माध्यम से उपलब्ध करा देंगे, तो यहां पर आप टच करके सभी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के लोगो पर टच करके कक्षा 8 एटग्रेड की विषय गणित की भी सभी अध्याय की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।